साथियों, आज भी आप देख रहे होंगे कि इजराइल में और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। साथियों, ये युद्ध अगर आप इतिहास पे देखें तो समय समय पर होता रहा है, और आज हम युद्धों के पीछे, इन लड़ाइयों के पीछे जो कारण हैं, उन कारणों पर आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, आपने कुछ नाम सुने होंगे जिनको हम सभ्यता, संस्कृति, धर्म और मजहब के नाम से जानते हैं। साथियों, इन शब्दों में इतनी निकटता है कि अक्सर हम सभ्यता को संस्कृति या धर्म, या मजहब को धर्म, मजहब को संस्कृति, इन सब बातों को हम मिला मिला के पढ़ते हैं और इन सब बातों को हम समझ नहीं पाते। और साथियों, जब इनमें भिन्नता होती है, सभ्यता की भिन्नता, संस्कृति की भिन्नता, धर्म की भिन्नता, मजहब की भिन्नता, तो अक्सर युद्ध और लड़ाइयाँ होती हैं उनके बीच में। साथियों, आपको मैं मोटे तौर पे और सरल शब्दों में इन बातों को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी इस समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इस धरती में रहते हैं, और इन तमाम बातों के, झगड़ों के पीछे जो कारण है, उनका जानना समझना आपके लिए भी आवश्यक है। साथियों, इंसान जब इस धरती पर आया और धरती पर आने के बाद उसने रहना और आपस में व्यवहार करना शुरू किया, वहीं से इन तमाम बातों की शुरुआत होती है। साथियों, इन व्यवहार को ही हम सभ्यता कहते हैं। आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे से बात करते हैं और बात करते समय कहते हैं कि आप जरा सभ्य आचरण करिए, यानी अच्छा आचरण करिए। तो इस प्रकार का मनुष्यों के बीच में आचरण ही सभ्यता है। वहां पर साथियों, न तो धर्म था और न ही मजहब था, बल्कि इसी सभ्यता से एक संस्कृति का जन्म हुआ। तो हम मान सकते हैं कि मनुष्य की जहां से उत्पत्ति हुई, वहां पर एक सभ्यता पैदा हुई, और यह सभ्यता अलग अलग स्थानों में परिवर्तित होती गई वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम सभ्यता की बात करें तो यह जो सुमेरी सभ्यता है, आपने धर्म ग्रंथों में सुमेर पर्वत का नाम भी सुना होगा, लिखा हुआ देखा होगा। तो ये जो सुमेरी सभ्यता है, ये विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता है जो जानी गई है और समझी गई है। कहते हैं कि ये ईसा से लगभग 8 या 10 हजार वर्ष पूर्व इसका जो है उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा पाया गया है। हो सकता है इससे भी अधिक पुरानी हो। साथियों, इतिहास में देखा गया है कि सुमेरी लोगों के भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे, अर्थात भारत की जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो और सुमेरी सभ्यता आपस में मेल जोल है इसका। और सुमेरी लोग समूचे पूरब को, जो धरती का पूर्व कहा जाता है, उसको अपना उद्गम मानते थे। साथियों, विख्यात इतिहासकार लैंगडम के अनुसार ध्यान से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की लिपि, उनकी मुहरें अर्थात मुद्राएं, सुमेरी लिपि और मुहरों से लगभग मिलती जुलती हैं। इतना ही नहीं, सुमेर के प्राचीन नगर ऊर में भारत में बने चूना मिट्टी जो है, उसके बर्तन भी पाए गए। साथियों, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई, उसमें जो सांड की मूर्ति है, वो सुमेर के पवित्र
बरखब से काफ़ी मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा में मिले सिंगारदान की बनावट भी उर्व में मिले सिंगारदान के जैसी ही है। अतः इन सब के आधार पर आप कहा जा सकता है कि जो दुनिया के अलग अलग इलाके में जो खोज हुई, जो खुदाई हुई और जो प्राचीन सामग्री मिली, उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो सिंधु का क्षेत्र है यानी भारतीय जो सभ्यता है, वो सभ्यता पूरी दुनिया की धरती पे थी। और आप देखते हैं कि भारतीय जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें सुमेर शब्द का इस्तेमाल बहुत बार हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के हर हिस्से पे एक जमाना था, एक समय था कि ये भारत की सभ्यता ही थी। और इसी सभ्यता का दुनिया में प्रसार हुआ। साथियों, अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म एक सतत प्रक्रिया के रूप में विकसित होता है और ये विकास सभ्यता के साथ साथ होता है। साथियों, ये धर्म परिवर्तित भी होता रहता है। धर्म का जो मूल अर्थ है वो है स्वभाव। आप अपना स्वभाव या लक्षण जो आप धारण करते हैं वही धर्म कहलाता है। साथियों, सभी जड़ तत्वों या जीवित प्राणियों, पशु पक्षियों, मनुष्य, इन सबका एक स्वभाव होता है जिसके अनुसार वो व्यवहार करता है, यही इसका धर्म है। साथियों, अगर हम बात करें अग्नि का धर्म या स्वभाव क्या है, तो अग्नि का धर्म या स्वभाव है जलना और जलाना। स्वयं जलती है और जो लपेट में आ जाए उसे किसी बिना भेदभाव के उसे भी जलाती है। पानी का धर्म या स्वभाव है बहना, बहाना, घुलनशीलता, जो कुछ भी आप डालोगे उसमें घुल जाएगा, शीतलता प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के अपने स्वभाव का परिपालन करना, यही धर्म का मूल तत्व है। और धर्म का मूल तत्व है ध्यान अर्थात आंतरिक जागरण। साथियों, कुछ कुछ संस्कृति भी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन संस्कृति बाह्य आचरण से संबंधित है, जो आपका बाहरी आचरण है कि किस प्रकार परिवार, समाज, देश में जीना, किसी क्षेत्र विशेष के निवासी अपने क्षेत्र की सापेक्षिक जो भौगोलिक पर्यावरण है, विशिष्ट जलवायु है वहाँ की अर्थव्यवस्था है, उसके आधार पर एक निश्चित जीवन शैली वो व्यक्ति विकसित कर लेते हैं, जो दूसरे क्षेत्रों, दूसरे देशों, दूसरे प्रदेशों से भिन्नता रखती है। यही कारण है कि विभिन्न प्रदेश, विभिन्न देश, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों का उदय होता है, जो पारस्परिक लेन देन के आधार पर आधारित होता है और इसी आधार पर एक दूसरे से संपर्क कायम करता है। तो साथियों, हमारा जो उद्देश्य था उसके अनुसार आप सभ्यता, संस्कृति और धर्म, इन तीनों बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों, पूरी दुनिया में ये सब कुछ लगभग मिलता जुलता था। हाँ, संस्कृति अलग अलग थी। आप देखते हैं कहीं पर लकड़ी की कमी थी तो वहां पर डेड बॉडी को जमीन में दफनाया गया,
जो बरसा वन क्षेत्र थे वहां पर इनको जलाया गया। इसी प्रकार से आप उनके जो ठंडे मुल्क थे वहां का पहनावा, जो गर्म मुल्क था वहां के पहनावे में अंतर था। साथियों, ये सब संस्कृति का अंतर था, ना तो ये धर्म का अंतर था और ना ये सभ्यता थी। और इसी प्रकार पूरे दुनिया में इंसानों के बीच एक व्यवस्था कायम थी और यहीं पर धर्म अर्थात सनातनी व्यवस्था का उदय हुआ, ये हम आसानी से कह सकते हैं, समझ सकते हैं और इतिहास से हम देख सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो साथियों, इस मानव जीवन का, इस धरती का जो मूल उद्गम है, वो मूल उद्गम सनातनी धर्म है जो वेदों और पुराण से शुरू होती है। लेकिन साथियों, कालांतर में इसी में से संप्रदाय पैदा हुए जिसको हम रिलीजन कहते हैं, मजहब कहते हैं। साथियों, समय के साथ साथ इसमें कुछ विद्वान व्यक्ति पैदा हुए, उन विद्वान व्यक्तियों ने अपना एक समूह पैदा किया, तमाम जो बातें थी उनको नकारा और अपनी एक नई अभिव्यक्ति के द्वारा एक नए तरीके पैदा किए। धीरे धीरे लोग उनके अनुयायी होते गए अर्थात, और यहीं से संप्रदाय का जन्म हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि संप्रदाय व्यक्ति विशेष के द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खड़ा किया जाता है और यह उस व्यक्ति विशेष के जो नियम जो घोषित किए जाते हैं, जो लिखे जाते हैं, उन पर आधारित होता है और उनके अनुपालन पर पूरा जोर देता है। इस तरह हम इस बात को हम कह सकते हैं कि दुनिया का जो मूल है वो है सनातन और जो सभ्यता है वो है सभ्यता, भारतीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सुमेर सभ्यता। अब साथियों, अगर हम धर्म की बात करें तो पूरी दुनिया में आज भी धर्म एक ही है और वो है सनातन। लेकिन साथियों, अगर हम मजहब की बात करें तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ चलते हैं तो उनमें है यहूदी धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। इनको साथियों हम धर्म 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 के नाम से कहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा ऐसा ही लोग बोलते हैं। लेकिन साथियों, ये धर्म नहीं है, ये छह मजहब हैं, संप्रदाय हैं जिनका जन्म सनातन धर्म से हुआ। सनातन मजहब नहीं है, सनातन धर्म है और सनातन धर्म से ये छह मजहब पैदा हुए जो दुनिया में समय समय पर फैले और आज हम मुख्यतया इन्हीं सनातन धर्म और मजहब पर आपको संक्षिप्त क्रमवार बताऊंगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे ये उत्पन्न हुए और कैसे धीरे धीरे ये अपने पतन की ओर चले गए। साथियों, मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं अर्थात वेदों का और उपनिषदों का आधार, और अगर हम इतिहास की बात करें तो ये इतना पुराना है कि इसका उद्गम भी ज्ञात नहीं है कि कब ये धरती पर आया। बस आप समझ सकते हैं
कि मनुष्य के प्रारंभ के साथ साथ ये सब कुछ विकसित होने लगा था। तो हम कह सकते हैं कि ये सनातनी है। हाँ, इसके सुमेरु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके कई चिन्ह मिलते हैं। साथियों, अगर हम हिंदू सनातन से क्या क्या उत्पन्न हुआ, तो इसमें पहला नाम आता है यहूदी का। यहूदी एक संप्रदाय था और इस संप्रदाय से इस्लाम और ईसाई, ये दो संप्रदाय पैदा हुए। अगर हम बात करें तो इसके पितामह माने जाते हैं इब्राहिम। साथियों, अगर आप तोराह पढ़ें तो तोराह के अनुसार इब्राहिम लगभग 2000 ईसा पूर्व अकीदियन साम्राज्य के ऊर प्रदेश में अपने इब्रानी कबीले के साथ रहा करते थे, जहां प्रचलित मूर्ति पूजा से व्यथित होकर इन्होंने ईश्वर की खोज में अपने कबीले के साथ एक लंबी यात्रा को शुरू किया और यहां से यहूदी धर्म उत्पन्न हुआ। अर्थात इसकी उत्पत्ति ईसा के 2000 वर्ष पूर्व हम समझ सकते हैं। ये साथियों, यहूदी धर्म हिंदू सनातन से ही उत्पन्न हुआ। साथियों, हिंदू सनातन से दूसरा धर्म जो उत्पन्न हुआ वो अफगानिस्तान में हुआ, जहां यहूदी धर्म आज की इजराइल की धरती से हुआ था। वहां जो दूसरा धर्म हुआ पारसी धर्म, वो अफगानिस्तान के क्षेत्र से पैदा हुआ और इसका प्रसार ईरान और तमाम अनेक जगहों पे हुआ और ये पूरी तरह फैला। साथियों, ये धर्म पैगंबर जरथुष्ट द्वारा स्थापित पहला एकेश्वरवाद वाला मत था। ये धर्म फारसी धर्म था, जो फारसी से पारसी हो गया। साथियों, अगर हम जरथुष्ट के काल की समय की बात करें तो ये ईसा के पहले 1700 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में इसका उदय माना जाता है। लेकिन साथियों, हुआ क्या, यहूदी धर्म को ईसाइयत और इस्लाम निगल गया, उसी तरीके से पारसी धर्म को भी पहले ईसाइयत ने निगला और उसके बाद इस्लाम ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यहूदी जो थोड़े बहुत बचे वो दुनिया के तमाम देशों में बेदखल हो गए, वहां से बेदखल होकर चले गए और यही हाल पारसियों का हुआ। आज ईरान पूरी तरह से मुस्लिम देश है। साथियों, इसके बाद उदय हुआ बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म की जो परंपरा है, ज्ञान है, धर्म है, दर्शन है, वो गौतम बुद्ध से शुरू होता है और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और उनका महापरिनिर्माण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, ये सनातन धर्म से उत्पत्ति हुई और ये यहूदी और पारसी के बाद ये संप्रदाय, ये मजहब आया। तो साथियों, सनातन के बाद जो पहला मजहब आया वो यहूदी था,
जो दूसरा मजहब आया वो पारसियों का था और जो तीसरा मजहब आया वो बौद्ध धर्म का था। बौद्ध को धर्म न कहकर हमें मजहब कहना चाहिए। साथियों, ये बौद्ध का जो मजहब था ये दुनिया के तमाम देशों में गया, खास तौर से अफगानिस्तान, चीन, लंका, म्यांमार, बर्मा, दुनिया के तमाम देशों में ये मजहब पैदा हुआ। और जिस तरह से मजहब पैदा हुआ, इसको सबसे पहले जो ईसाइयत का मजहब था उसने नष्ट किया, और जो कुछ बचा उसे जो मजहब इस्लाम आया उसने नष्ट किया। और इस प्रकार ये धरती के कुछ हिस्से में सिमट के रह गया। साथियों, इसके बाद आया ईसाई धर्म। इसे अगर हम ईसाई मजहब कहें तो ज्यादा ठीक होगा। यह यहूदी मजहब से पैदा हुआ। यह एक इब्राहिमी मजहब है, क्योंकि यह यहूदी मजहब से पैदा हुआ जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। अन्य इब्राहिमी मजहबों के समान यह भी एक एकेश्वरवादी मजहब है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी ईस्वी में फिलिस्तीन से हुई, जिसके अनुसार ये मजहब ईसाई मजहब कहलाया। और जब ईसाई मजहब का प्रसार हुआ तो इसने दूसरे मजहबों को नष्ट करना शुरू किया। एक समय पूरी दुनिया में ईसाइयत का बोलबाला था, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम ने इसे पीछे धकेल दिया। साथियों, उसी यहूदी मजहब से एक और मजहब उत्पन्न हुआ जो अरब के मक्का मदीने से शुरुआत हुई, और इसने यहूदियों का जो इजराइल था उस पर भी कब्जा किया। साथियों, हम ये जोड़ दें, जो ईसाइयत पैदा हुई वो यहूदियों से पैदा हुई, और सबसे पहला उन्होंने काम किया कि जो यहूदियों का इजराइल था वहां कब्जा किया। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम पैदा हुआ उसने भी यहूदियों पर कब्जा किया, ईसाइयों पर कब्जा किया। इसका जो प्रारंभ है वो मदीना और काबा से होता है, लेकिन यहूदियों की धरती जो यरूशलेम थी, जहां पर ईसाइयत कायम कर दी गई थी, वहां पर इस्लाम ने भी अपनी दस्तक दी और अपना झंडा खड़ा किया। ये साथियों, इस्लाम जो है पैगंबर मोहम्मद से शुरू होता है, जैसे ईसाइयत जीसस से शुरू होती है। साथियों, उसके बाद जो पुरातन सनातन था, संकट आया, धीरे धीरे दुनिया से इसके पैर उखड़ने लगे। और भारत में भी जहां से इसकी उत्पत्ति हुई, सिंधु क्षेत्र जहां से इसकी उत्पत्ति हुई, वहां भी इसके पैर उखड़ने लगे और इस्लाम ने अपने पैर पसारने शुरू किए। साथियों, युद्धों की भरमार हुई, हत्या, बलात्कार, लूट, और इन सब के बीच सनातन सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, इसकी रक्षा करने के लिए जो मजहब पैदा हुआ उसे सिख कहा गया। साथियों, प्रथम सिख गुरु गुरु नानक के द्वारा 15वीं सदी में, अर्थात इसे हम नया मजहब कह सकते हैं, तो 15वीं सदी में भारत के पंजाब क्षेत्र में इसका आगाज हुआ। इसकी मजहबी परंपराओं को गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 के दिन अंतिम रूप दिया।
हिंदू सभ्यता की इस्लाम से रक्षा के लिए ही इस सिख मजहब का उदय हुआ था। लेकिन साथियों, आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं सिखों में, सनातनियों में और हिंदू सभ्यता के लोगों में टकराव पैदा हो गया है। साथियों, इस प्रकार से अगर तमाम बातों को हम संक्षिप्त से कहें तो इस तरह से हिंदू सनातन से यहूदी, पारसी, बौद्ध और सिख मजहब बना। यही कारण है कि यहूदी, पारसी, बौद्ध और सिख में हिंदू सभ्यता और सनातन की झलक मिलती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो यहूदियों से ईसाइयत और इस्लाम बना। ये तीनों मजहब हैं और ईसाइयत और इस्लाम यहूदी मजहब से पैदा हुआ। ईसाइयत और इस्लाम में अधिकांश यहूदी परंपराएं लेकिन सनातन से विपरीत हैं। कारण कि ईसाइयत और इस्लाम किसी धर्म से पैदा नहीं हुआ बल्कि एक मजहब से एक अलग मजहब पैदा हुआ, इसलिए यह सनातन से विपरीत है। और इन तीनों में अनेक विरोधाभास और विरोध भी हैं। और आप देखते होंगे कि यही कारण है कि यहूदियों, ईसाइयों और इस्लाम के मानने वालों में अक्सर खूनी संघर्ष होते रहते हैं। यहां तक कि हमने देखा है कि जो इस्लाम के अंदर के फिरके हैं उनमें भी इतना विरोध है कि आपस में ही उनके युद्ध होते रहते हैं। सीरिया और यमन इसका एक अच्छा उदाहरण है। हम समझते हैं कि शायद साथियों आप लोगों को ये सभ्यता, संस्कृति, धर्म और मजहब और ये किस तरह से मजहब इस दुनिया में आए, पैदा हुए और कैसे बने, इसके संबंध में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथियों, इसे जानिए और समझिए क्योंकि आपके लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस दुनिया में रहते हैं और तमाम लोगों से व्यवहार करते हैं, इसलिए जिससे आप व्यवहार करते हैं उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, वो धार्मिक है या मजहबी है, मजहबी है तो उसका मजहब क्या है, इन तमाम बातों से आप दुनिया के इंसानों को, आसपास के इंसानों को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और उनसे अपने एक व्यवहार की आशा कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।